वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम सर्कुलर वेवगाइड को शुरू करने वाले हैं। अभी तक की क्लासेज जो हमारी हुई है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, उसमें हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अभी हम सर्कुलर वेवगाइड शुरू करने वाले हैं। तो जैसे हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड में सबसे पहले क्या निकाला था, वेव इक्वेशन निकाला था और उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था, सिमिलर वे में सर्कुलर वेवगाइड के लिए भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेव इक्वेशन निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए हमारे पास किसका यूज होगा, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज होगा इसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है आपसे। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर वेवगाइड। क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा, राइट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर सर्कुलर वेवगाइड एंड सोल्व देम टू ऑब्टेन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है, फील्ड कंपोनेंट भी दे सकता है फॉर ऑफ वेरियस मोड्स। मतलब आपको वेरियस मोड्स का क्वेश्चन को समझे, सबसे पहले आपको सर्कुलर वेवगाइड या सिलेंड्रिकल वेवगाइड दे सकता है, जो कि एक ही बात है, सिलेंड्रिकल वेवगाइड भी इसकी जगह दे सकता है। और मैक्सवेल इक्वेशन को यूज में लेते हुए उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और वो किस में यूज में लेंगे, अपन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के या फील्ड कंपोनेंट निकालने के लिए यूज में लेंगे। आपने देखा होगा कि हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में भी एक सॉल्यूशन शुरू में लेते हैं, जब TE और TM मोड निकालते हैं तो शुरू में एक सॉल्यूशन लेके चलते हैं, उसी सॉल्यूशन को हमने वेव इक्वेशन के लिए पहले निकाला होता है। सिमिलर वे में इसके भी TE और TM मोड के लिए हमें एक सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, जिसको हम यहां पे यूज में लेंगे, और वही सॉल्यूशन सबसे पहले हमें फाइंड करना है, सबसे पहले उसी को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास वो सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका टॉपिक है वेव इक्वेशन एंड सॉल्यूशन फॉर सर्कुलर वेवगाइड। यूज में क्या लेना आपको, मैक्सवेल इक्वेशन। तो फॉर आपको मैं बताऊं, मैक्सवेल इक्वेशन हम यूज में ले फॉर ए लॉसलेस मैंने बताया था, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर और अपन नॉन जीरो मैक्सवेल इक्वेशन उठाते हैं यहां पे। मैक्सवेल्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपने देखा था डेल क्रॉस ई वेक्टर आपके पास क्या आया था, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर, ये आप निकाल चुके हैं पहले। एंड डेल क्रॉस एच वेक्टर आपने क्या निकाला था, आयोटा ओमेगा एप्साइलोन ई वेक्टर, ये दोनों इक्वेशन आप निकाल चुके हैं। आपको नॉन जीरो वाले लेने हैं, दोनों के दोनों आपने इक्वेशन ले लिए, जो जीरो है उनको हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने यूज में भी नहीं आने वाले। तो इनसे हम क्या करेंगे, इनसे आप निकालेंगे सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो देखो, जैसे मैं इक्वेशन वन में पहला उठा रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन ए इसको मैंने ले लिया, डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, कर्ल ले रहा हूं मैं, टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स। तो कर्ल लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू तो एज इट इज, और कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एच वेक्टर, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां पे कर्ल इसका ले लिया। अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेल क्रॉस ई को लिखा जा सकता है डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू। डेल क्रॉस एच की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये रहा डेल क्रॉस एच, ये वैल्यू रख दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा एप्साइलोन ई वेक्टर, हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये मैंने आपके लिए सर्कुलर वेवगाइड का डायग्राम बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। वैसे तो ये सिलेंडर होता है, लेकिन हम क्रॉस सेक्शन की बात जब करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर शेप का दिखाई देता है, इसलिए हम इसको सर्कुलर वेवगाइड भी बोलते हैं। सर्कुलर वेवगाइड को अपन डिफाइन करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स कौन से यूज में लेते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जैसे आपको दिख रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट आर है आपके पास, इस आर की मैंने इस रेडियस को स्मॉल ए मान लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास जेड है, और एक कोऑर्डिनेट इसका जो एंगल है वो हमने फाई माना है, तो आपको आर फाई जेड कोऑर्डिनेट यहां पे लेके चलने हैं, जबकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में आप एक्स वाई जेड लेके चल रहे थे, यही डिफरेंस होगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपके पास आएगा।
ठीक है। तो देखिए आप, हम इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, अब इस कर्ल से हम ये वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो आएगा वो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगा। तो हम वो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखे यहां से डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इक्वल टू, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो एक बाहर है एक आयोटा और हो गया, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू ई वेक्टर, म्यू और एप्साइलोन भी है इंटू ई वेक्टर, ये आपके पास हो गया। अभी आपको पता है कि आपने डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी है लॉसलेस मीडियम के लिए, देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये इसकी वैल्यू निकाले तो आपको पता है डेल डॉट डी वेक्टर को आप क्या लिखते हो, रो। अब फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, फॉर फ्री स्पेस के लिए रो इक्वल टू जीरो होता है, तो डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, रो, रो की जगह जीरो रखो, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल डॉट एप्साइलोन ई वेक्टर इक्वल टू जीरो। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी एप्साइलोन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया, माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इक्वल टू, ये आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर को आप माइनस वन लिखोगे तो प्लस भी हो सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख रहे हैं एक बार, म्यू एप्साइलोन इनटू ई वेक्टर, देखिए माइनस से माइनस कट गया तो डेल स्क्वायर ई वेक्टर आपके पास जो आया वो हो गया आयोटा स्क्वायर, इसको माइनस वन भी आप लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्साइलोन ई वेक्टर, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंट है इसको आप गामा जी से डिनोट कर सकते हो, गामा से, ये आपके पास है गामा स्क्वायर की वैल्यू, और यही आपके पास इक्वेशन नंबर टू है जिसको आप हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोल सकते हो, वेयर गामा इक्वल टू क्या है, गामा स्क्वायर आपके पास है, या गामा की बात करूं तो है आयोटा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये तो गामा की वैल्यू, और गामा स्क्वायर की क्या हो जाएगी, उसका स्क्वायर कर दो, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, इसको इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ये कब होता है, इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन का कांस्टेंट का मतलब है अटेन्यूएशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तब आपके पास सिर्फ प्रोपेगेशन होता है, पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, ये आपके पास है। सिमिलर वे में यही चीज आप एच के लिए फाइंड करोगे तो सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली एच के लिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो सिमिलर वे में एच के लिए आपके पास जो आएगा वो आप इसको लिख सकते हो, डेल स्क्वायर एच वेक्टर इक्वल टू, यहां पे एच आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर एच वेक्टर, यही वैल्यू एच के लिए आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देन आपके पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर साई गामा स्क्वायर साई, इसको आप इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो, साई की जगह ई लिखोगे तो इधर भी ई आ जाएगा, एच लिखोगे तो इधर भी एच आ जाएगा, ये आपके पास इसका क्या है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। और इस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो मेथड कौन सा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दिस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कौन सा मेथड लगाएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, यूज करेंगे हम कौन सा मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। और इस सर्कुलर वेवगाइड के लिए हम क्या मानेंगे, क्या यूज करेंगे, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आप चेक कर सकते हैं आपका जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का था सिमिलर फॉर्मेट था, अभी जो चेंज होगा वो यहां पे आएगा, जो चेंज क्या था उसमें वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पास ये है, इसके लिए सबसे पहले आपको साई मानना है,
उसमें आपने साई को माना था, मैं बता देता हूं साई उसमें आपने एक्स वाई जेड माना था क्योंकि वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह काम करता है क्योंकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड था। यहां पे ये ना लेके कौन कौन से कोऑर्डिनेट लोगे, एक लोगे आप आर जो फंक्शन है स्मॉल आर का, एक लोगे फाई जो फंक्शन है फाई का, एक लोगे जेड जो फंक्शन है आपके पास जेड का। क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करती है सर्कुलर वेवगाइड तो आपने इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, आर फाई जेड लिए हैं। ठीक है, यही चीज हम इस पे डेल स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू रखे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। आपको पता है डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 1/r डेल ओवर डेल आर, आर डेल साई ओवर डेल आर, डेल स्क्वायर में ऑपरेट कर रहा हूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, प्लस 1/r² डेल स्क्वायर साई ओवर डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये हमने डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दी इक्वल टू आगे है आपके पास गामा स्क्वायर साई। ठीक है, तो ये साई की वैल्यू, ये आपके पास क्या होता है डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है। अभी मैंने साई की वैल्यू नहीं रखी है यहां पे, अभी ये वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, सिर्फ डेल स्क्वायर की वैल्यू रखी और साई को ऑपरेट कर दिया है। ये डेल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू। अभी देखिए मैं यहां पे साई की जगह ये वैल्यू रखूंगा तो देखो आर का फंक्शन कैपिटल आर है वो स्मॉल आर का, तो आर के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई और जेड तो कॉन्स्टेंट, तो फाई जेड कॉन्स्टेंट अपोन में आर आपके यहां पे है डेल ओवर डेल आर एज इट इज, ये आर एज इट इज। साई की जगह आर के रेस्पेक्ट में सिर्फ किसका होगा, इन दोनों को तो कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, किसका होगा सिर्फ कैपिटल आर का आर के रेस्पेक्ट में। सिमिलर वे में 1/r² आपके फॉर्मूले में है, आपको करना है फाई के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में इसका नहीं होगा इसका नहीं होगा, तो ये दोनों तो बाहर निकल आएंगे, तो आर और जेड तो बाहर आ गई, फाई के रेस्पेक्ट में सिर्फ किसका होगा इसका, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में देखो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर फाई तो बाहर आ गए और जेड के रेस्पेक्ट में क्या बचेगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो हमने साई की वैल्यू रख दी और डेल स्क्वायर को ऑपरेट करा दिया, तो आपके पास इस फॉर्मेट में आ गया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। अब देखो यहां पे आर फाई जेड है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ आर फाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या किया हमने ऑन डिवाइडिंग आर फाई जेड, तो आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आर फाई जेड का इसमें डिवाइड करो तो फाई जेड तो कट गया, क्या बचा आपके पास 1/r, आर का डिवाइड चला गया फाई जेड कट गया आपके पास, यहां पे क्या बचा डेल ओवर डेल आर, आर डेल साई ओवर डेल आर प्लस आर जेड, यहां पे देखो क्या बचेगा आर फाई जेड का डिवाइड करूंगा आर जेड कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5 r² डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर प्लस यहां पे देंगे तो क्या बचेगा 1/z डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, इधर भाग देंगे तो गामा स्क्वायर बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपने मान लिया 3, 3, 4 जो भी आपका है। यहां पे देखो अब ये जेड के टर्म आ गए, इसको हम एक कॉन्स्टेंट मान ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे लेट 1/z डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं माइनस गामा जी स्क्वायर, पहले भी हम मानते हैं ऐसे, इस गामा जी स्क्वायर को इधर ले आओ तो 1/z डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस गामा जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड यहां पे आ जाएगा, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। सॉल्यूशन क्या होता है इस इक्वेशन का, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपके पास, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन आपके पास, तो आपने जैसे कॉन्स्टेंट तो कुछ भी ले लिया ए साइन, यहां पे जो है वो गामा जी जेड प्लस बी कोस गामा जी जेड। तो हमने देखो साई को माना था आर फाई और जेड, तो आपके पास जेड का वैल्यू तो आ गया, तो जेड आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास। तीनों को निकालेंगे हम, ए साइन गामा जी जेड स्मॉल ए प्लस बी कोस गामा जी जेड, ये तो आपके पास इसका आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे फाई और आर को निकालेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड में ये है कि आप फाई को निकालते हैं तो फाई के टर्म में कन्वर्ट करो कंप्लीटली। तो देखिए हम यहां पे इसकी वैल्यू जो ये रही आपके पास, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास देखिए क्या आएगा, ये वैल्यू यहां पर रखें तो जैसे मैं इसको इक्वेशन दे दूं ये 3 ये 4 ये 5
फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, तो फोर से वैल्यू थ्री में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास वन ओवर आर आर, ये देखो डेल ओवर डेल आर, ये सारी वैल्यू एज इट इज, ये एज इट इज बस इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा ये देखिए, सारी वैल्यू मैं एज इट इज रख रहा हूं, बस क्या कर रहा हूं लास्ट वाली वैल्यू की जगह अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखना है मेरे को माइनस गामा जी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, ये आ गए आपके पास। अब क्या करेंगे हम, गामा गामा के टर्म एक तरफ ले लीजिए और यहां से आर स्क्वायर हटाएं, क्या करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक यही है, फाई के टर्म में कन्वर्ट करो, तो फाई है हर जगह बस आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर एक स्मॉल आर बचेगा, यहां पे देखिए आर डेल साई ओवर डेल आर, यहां पे कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ फाई बचेगा, ये बचा आपके पास इस तरीके से लीजिए माइनस उस इसको गामा जी स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर इधर ले आया, दोनों माइनस के थे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गया सिक्स। अब हम जैसे इसको हमने ये माना था एक कांस्टेंट के बराबर, सिमिलर वे में आप इसको भी क्या मान लोगे, देखो फाई के टर्म में सारे के सारे एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, तो क्या माने हम इसको, कोई भी कांस्टेंट ले लो, जैसे तो मैंने इसको मान लिया लेट वन ओवर फाई डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस एन स्क्वायर को इधर ले आओ डेल स्क्वायर फाई, ये इक्वेशन नंबर सेवन, क्योंकि ये हमें पुट करने के काम में आएगा, तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा डेल फाई स्क्वायर, ये एन स्क्वायर इधर आया प्लस का, ये फाई को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये लीजिए इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, फाई क्या आ जाएगा, अब एक ही जगह कोई नया कांस्टेंट दे दो ए एन दे दिया, गामा जी की जगह यहां पे कांस्टेंट क्या है एन, तो यहां पे क्या आ जाएगा एन, और किसका निकाल रहे हैं फाई के लिए, तो एन फाई, और यहां पे जैसे बी एन कर दिया इसकी जगह क्या आ जाएगा एन फाई, इक्वेशन नंबर ये हो गया आपके पास एट, तो देखो फाई का वैल्यू भी आ गया, क्या आया आपके पास ए एन साइन एन फाई प्लस बी एन कोस एन फाई, दो चीजें आ गई, क्या निकालना बचा है आर आपको और निकालना है, फाई जेड आप निकाल चुके हो, आर और निकाल दो साई का वैल्यू आ जाएगा आपको, वही तो निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे आप, अब इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू देखो ये रही आपके पास सेवन से ये पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन सेवन तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये एज इट इज इसकी जगह मैं वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास डेल साई ओवर डेल आर है, इसकी जगह वैल्यू रखो तो माइनस एन स्क्वायर, ओके ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस वाले एक साथ लिख लेता हूं मैं, ये देखिए प्लस गामा जी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके बाहर है इसके तो नहीं है, इसके साथ आर स्क्वायर है, ये गामा है ये आर है, ठीक है ना, इसको मैंने साथ लिख लिया इक्वल टू जीरो। अब ये जो वैल्यू होती है ना ये होती है केसी की वैल्यू, तो आपके पास सिंस मैं लिख देता हूं यहां पे सिंस गामा जी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होता है केसी स्क्वायर के बराबर, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर ओवर आर डेल ओवर डेल आर आर डेल साई ओवर डेल आर माइनस एन स्क्वायर एज इट इज इसकी जगह केसी स्क्वायर तो प्लस केसी स्क्वायर बाहर है आर स्क्वायर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं केसी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये देखो ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया किसका, उससे पहले मैं थोड़ा सा काम और कर देता हूं, जो ऊपर वाला आर है उसको भी हटाने का काम कर दे, हम ऊपर वाला जो आर है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे जो आपके पास आर है उससे क्या करेंगे आप डिवाइड कर दो, चाहे नहीं भी हटाओगे कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो मैं इसको ये आपके पास एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसको बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, तो ये आपके पास क्या है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको देखो नीचे वाले आर को हटाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो डिवाइड कर देता हूं, ये तो आपको अलग से रखना है, ऑन डिवाइडिंग मल्टीप्लाई करता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल आर,
इस आर को हटाने के लिए मैंने ये किया है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आर डेल ओवर डेल आर, आर डेल साई ओवर डेल कैपिटल आर ओवर डेल आर माइनस एन स्क्वायर प्लस के सी आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। ये जो है एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसको आप बोलते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होता है सी एन जे एन के सी आर एंड डी एन 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 के सी आर, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, और जे एन के सी आर और एन एन के सी आर मैं बता देता हूं, वेयर जे एन के सी आर एंड एन एन के सी आर आर बेसल एंड न्यूमेन पॉलिनोमियल, ये आपके पास ये होते हैं। ठीक है, तो यहां से फाई जेड आ चुका है, आर आ चुका है, देन साई क्या हो जाएगा आपके पास, क्या था मान के क्या चले थे, आर फाई जेड, तो पहले तो आर रख दो, आर की वैल्यू ये रही, आर क्या हो जाएगा सी एन जे एन के सी आर प्लस डी एन 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 के सी आर, ये तो आपने आर का वैल्यू रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या रखना है आपको, आर फाई, फाई का वैल्यू रखो क्या है, ए एन साइन एन फाई प्लस बी एन कोस एन फाई, ये हमने फाई का वैल्यू रख दिया। ठीक है, और जेड का और रखो, तो जेड का ये रख दिया आपने, ए साइन गामा जी जेड प्लस बी कोस गामा जी जेड रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है उसमें हम प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट से क्या करते हैं, जैसे हमने मान लिया इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, तो जेड वाले जो भी टर्म है उनको हम प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का जो टेक्निक है हम पीछे वाले रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डिस्कस कर लिया था कि यहां पे जो भी है तो उसमें एक कॉन्स्टेंट आता है प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट गामा के टर्म में और गामा जी जेड के टर्म में हम उनको रिप्लेस करते हैं, तो इसकी जगह आप क्या कर लिख देंगे, गामा जी, बीटा जी होता है आपके पास फेज कांस्टेंट जो माइनस आयोटा गामा जी के बराबर आता है, तो उसके टर्म में हम इसको लिखेंगे, तो साई क्या आ जाएगा, इसको तो अपने को रिप्लेस करना है, पहले ए एन साइन एन फाई प्लस बी एन कोस एन फाई इंटू सी एन जे एन के सी आर प्लस डी एन 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 के सी आर, और इसको किससे रिप्लेस करना है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट वाले टर्म से, माइनस आयोटा बीटा जी जेड, यही आता है, पहले भी हम इस ट्रिक को यूज में लेके देख चुके हैं। तो हमने जेड वाले टर्म को प्रोपेगेशन के टर्म से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपकी वेव किस में प्रोपेगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, इतनी बात क्लियर है। यहां पर अब क्या करते हैं, या तो आप इसको वेव इक्वेशन का सोल्यूशन यहां तक बता सकते हैं, ठीक है, एक तरीका और है, यहीं पे आप बाउंड्री कंडीशन लगा दो तो आपको टी और टीएम मोड में लगानी नहीं पड़ेगी। तो देखो हम बाउंड्री कंडीशन यूज में लेते हैं, पहले अगर आर इक्वल टू जीरो हो, आर इक्वल टू जीरो पे केसीआर भी जीरो होगा और एनएन वाला जो टर्म है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, एनएन जीरो की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट वैल्यू हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, फाइनाइट रखने के लिए सॉल्यूशन को इसको जीरो कर दो ताकि आपके पास ये इनफाइनाइट वाला टर्म ही हट जाए। तो सॉल्यूशन को फाइनाइट रखने के लिए डीएन को क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो करना पड़ेगा। सिमिलर वे में आप एंड अगर फाई जो बाउंड्री कंडीशन है उसको जीरो लो, तो देखो फाई आप जीरो रखो तो साइन फाई जीरो कोस फाई वन, ये तो बच जाएगा, बीएन वाला टर्म तो जीरो होगा नहीं, तो यहां पर तो बीएन वाला नहीं हुआ, साइन फाई वाला क्या करोगे, साइन फाई वाला जीरो होगा फाई जीरो पे, लेकिन हम इसको जीरो ना बता के किसको बताते, कांस्टेंट को, इसका मतलब ये है देन ए एन इक्वल टू जीरो, ए एन जीरो हुआ नहीं है, ए एन वाला टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, ए एन खुद जीरो नहीं हुआ, ए एन वाला टर्म जीरो हो गया, तो अपने को तो इसको पूरे को जीरो करना है, तो ये वाला टर्म जीरो हो चाहे ए एन जीरो हो तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं एंड ए एन इक्वल टू जीरो, ए एन वाला टर्म जीरो हुआ है तो आपके पास साई जो है वो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, मैं ऊपर लिख देता हूं जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आया है, तो आपके पास जो साई है
वो क्या आ जाएगा, ए एन वाला जीरो हो गया तो बी एन कोश एन फाई, ये जीरो हो गया तो क्या बचा सी एन जे एन के सी आर और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, ये दोनों कॉन्स्टेंट है बी एन और सी एन, इनको एक नया नाम दे दिया मैंने, बी दे दिया कोश एन फाई, साई नोट दे दो और भी अच्छा लगेगा, बी एन सी एन को मैंने साई नोट दे दिया कोश एन फाई जे एन के सी आर ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आपके पास जो है वो फाइनल सॉल्यूशन आ गया आपके पास। दिस इज द रिक्वायर्ड वेव इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोल सकते हो, रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड फील्ड कंपोनेंट्स, टू फाइंड फील्ड कंपोनेंट्स इन सर्कुलर वेवगाइड, फील्ड कंपोनेंट्स फॉर सर्कुलर वेवगाइड इन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट मोड्स, ऑपरेटिंग इन डिफरेंट मोड्स। तो आप जैसे TE मोड डिस्कस करेंगे सर्कुलर वेवगाइड के लिए, तो आपको पता है TE में क्या होता है, EZ जीरो होता है, TE में क्या लेते हो आप EZ को जीरो, तो ये सॉल्यूशन साई की जगह आप क्या लिखोगे वहां पे HZ, तो ये क्या हो जाएगा HZ की जगह यहां पे H नॉट Z लिख देना, तो H नॉट HZ के टर्म में आ जाएगा। अगर TM मोड की बात करो तो आपको पता है TM मोड में HZ जीरो होता है, तो HZ वाला तो जीरो हो गया, तो साई की जगह आप क्या लिखोगे EZ के टर्म में इस सॉल्यूशन को लेके चलोगे और फिर मैक्सवेल इक्वेशन लगा के फील्ड कंपोनेंट निकाल दोगे सारे के सारे। तो ये क्या काम में आता है, यहां पे फील्ड कंपोनेंट्स निकालने के लिए काम में आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सॉल्यूशन आपका रहता है। ये आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। ओके, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में इसके लिए टीई और टीएम मोड डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।